वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव सिटी। आज हम सीखेंगे उकड़ी चे मोदक बनाना। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई ले और इसमें एक चम्मच घी डाल ले, और जब घी अच्छी तरह पिघल जाए तब इसमें एक कप पानी डाल ले। जब पानी गर्म हो जाए तब इसमें एक कप चावल का आटा डाले। मैंने हाफ कप से मेजरमेंट लिया है इसलिए मैंने दो बार डाला है। अब इसे अच्छी तरह मिला ले। चावल का आटा सारा पानी सोख लेगा। इसे अच्छी तरह चलाए और अब गैस बंद कर दे और इसे ठंडा होने के लिए रख दे। अब हम फिलिंग बनाएंगे। एक चम्मच घी ले और इसे मेल्ट होने दे। अब इसमें एक कप डेसिकेटेड कोकोनट मिला ले और इसे अच्छी तरह भून ले। इसे अच्छी तरह चलाते हुए भूनिए। जब नारियल की खुशबू आने लगे तब इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें और इसे अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें एक कप गुड़ डालें। जितना नारियल लिया है उतना ही गुड़ डालें और इसे अच्छी तरह चलाएं। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब वापस आटा लें और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह मिला लें। यदि आपको ये बहुत ड्राई लग रहा है तो हल्का हल्का पानी डालकर इसे अच्छी तरह गूंद लीजिए। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें वरना ये बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा और मोदक बनाने में बहुत परेशानी होगी। कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह गूंदें। अब आटा तैयार है। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। उसके बाद एक मोल्ड लें और इसमें अच्छी तरह घी लगा लें। घी लगाने के बाद मोल्ड को बंद कर लें और चावल के आटे की एक गोली लें और इसे मोल्ड में डाल दें। अब इसके बीच में एक छेद बना लें जिसमें हम फिलिंग करेंगे। ध्यान रहे ये सब तरफ से बराबर मोटा हो, कहीं से पतला कहीं से मोटा ना हो। यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप बिना मोल्ड के भी बहुत खूबसूरत मोदक बना सकते हैं। बिना मोल्ड के मोदक बनाना सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। अब पीछे से भी मोदक को अच्छी तरह सील कर दें और अब मोल्ड को खोल लें और परफेक्ट मोदक बनकर तैयार है। ऐसी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब एक कढ़ाई लें और इसमें 2 कप पानी गर्म होने दें। जब पानी अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो इसमें एक रिंग रख कर इस पर मोदक की प्लेट बड़ी सावधानी से रख दें और ऊपर से ढक दें। 10 मिनट बाद मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। इसके ऊपर देसी घी डालें, इससे इसका टेस्ट और एनहांस हो जाएगा और ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी ही रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिएटिव सिटी।